अगली खबर सतना से आ रही है, जहां हिंदू देवी देवताओं के प्रति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करने का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में माहौल गर्माते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिंहपुर क्षेत्र के ग्राम खड़ौरी निवासी सचिन कुशवाहा नाम के युवक को हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर लोगों की भावनाओं को आहत करने के मामले में शनिवार रात गिरफ्तार किया गया है। कोठी थाना पुलिस ने दबिश देकर सचिन कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है और फिर उसे सिंहपुर पुलिस को सौंप दिया। सचिन कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर खरी बात नाम के एक ग्रुप में चैटिंग करते हुए मैहर में विराजी देवी शारदा के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसने अपने कमेंट में लिखा था कि मैहर की शारदा प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा लगती है, कपड़ा हटाने पर असलियत पता चल जाएगी। सचिन कुशवाहा का यह कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सतना में माहौल गर्मा गया। विहिप और बजरंग दल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और शिकायत दर्ज कराने शनिवार की रात कोठी थाना पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए सचिन कुशवाहा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने मौके की नजाकत को समझा और शिकायत लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों के अंदर कोठी पुलिस ने देवी शारदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में विहिप पदाधिकारी सचिन शुक्ला का कहना है कि हिंदुओं और सनातन धर्मावलंबियों की संहिता का नजायज फायदा उठाते हुए लगातार अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। यह स्थिति न केवल आपत्तिजनक बल्कि चिंताजनक भी है। इस पर सरकार को भी गंभीरता से विचार कर कानूनी सख्ती बढ़ानी चाहिए और सामाजिक लोगों को भी संजीदा होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी हरकतों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। माँ शारदा दुनिया भर के करोड़ों आस्थावानों की आस्था का केंद्र है। उन पर टिप्पणी से सनातन धर्मियों और माता के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि जिसे जिस धर्म जिस आराध्य पर आस्था हो वह माने, लेकिन हमारे धर्म और आराध्यों पर टिप्पणी का अधिकार उन्हें नहीं है। एक ज्ञापन दिया गया था कि सचिन कुशवाहा नाम का व्यक्ति, जो कि ग्राम खड़ौरी थाना सिंहपुर क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा देवी देवताओं के विरोध में अभद्र टिप्पणी की गई थी फेसबुक पर। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी जो है कोठी कस्बा में घूम रहा है, अतः उसे घेराबंदी करके हिरासत में लिया गया।